कानपुर साउथ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। अभी रिटायर्ड फौजी के घर की चोरी पुलिस ने खोली ही थी कि गोपाल नगर में एक महिला के साथ 10 दिन में दो बार घटना हो गई। बीती 2 जून को रामरानी अपने लोन में बैठी थी, तभी बाइक सवार चैन स्नैचर की नजर उन पर पड़ गई। हालांकि महिला के हाथ में चाकू होने के कारण वो अपराध को अंजाम नहीं दे पाए। मामले की FIR थाने में दर्ज करने पर आरोपी भी गिरफ्त में आ गए, लेकिन तभी बीती 11 जून को महिला जब अपनी बेटी के यहाँ गई तो बंद घर पाकर चोरों ने घर पे घुसकर कमरे के दरवाजे का सेंटर लॉक तोड़कर घर की कायदे से झाड़ू लगा दी। पहली घटना की खुलासा पुलिस ने किया, जो कि मामले में शुरुआत से ही इन्वॉल्व थे। उसने एक पकड़े गए आरोपी पर 25,000 का इनाम था। उसे पकड़ने के चक्कर में पुलिस से गुड वर्क हो गया और पुलिस इनाम की हकदार हो गई, जबकि परिसीमन के हिसाब से वारदात का क्षेत्र विधनु थाने के अंतर्गत आता है, लिहाजा चोरी का प्रकरण तो नवस्था पुलिस ने लगभग हल कर भी लिया। उसको लेकर विधनु थाने से अपने थाने का मामला बताकर मामले को स्थानांतरित करने की बात कही। अब पुलिस के गुडवर्क करने के बाद विधनु पुलिस कौन सा गुडवर्क करने के मूड में है ये तो वही जाने। फिलहाल महिला के साथ दो बार आपराधिक वारदातें होने के कारण वो सदमे में है और बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अपराधियों के हौसले बुलंद है और पुलिस उनके पीछे पीछे घूम रही है। क्या हुआ, कैसे घटना हुई? कुछ नहीं, आज सुबह जब घर वापस आया गया तो बाहर तो ताला लगा था, लेकिन अंदर से उंडी लगी हुई थी तो खोला गया। किस तरह से इधर आया तो दरवाजे टूटे हुए थे, अंदर के सारे दरवाजों का ताला टूटा हुआ था, लॉकर्स टूटे हुए थे और पीछे जो दरवाजा था जिसमें मेन कागजात और जेवर वगैरह थे वो भी पूरा टूटा, सारी अलमारी बक्से सब तोड़ के जितना था सब कम से कम लगभग 15 लाख के आसपास के जेवर और क्या कहते हैं 2 लाख कैश और बैंक के कुछ पेपर्स, एक पर्स में नाना जी आर्मी के थे तो उनके पर्सनल पेपर्स, कुछ मार्कशीट्स और कुछ घर के पेपर्स, इतनी चीज़ें सारा ले। घर में कोई था कि नहीं था? घर में कोई नहीं था, घर खाली। कब से खाया? घर खाली इसलिए था क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चैन स्नैचिंग वाला नाने का केस हुआ था, फिर उसके जस्ट पीछे बाद इधर पीछे एक ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती करी, तो हम लोग को डर लग रहा था कि नानी पे वो वापस मतलब कुछ करने ना आए, क्योंकि नानी ने उसको चाकू मार दिया था मतलब सर डिफेंस में। तो इसलिए नानी को उन्होंने मौसी कैंप भेज दिया था जो कि सकरापुर गए। तो जब वापस अभी आए, अभी परसों नरसों आके घर चेक करके गए हैं और पेड़ों वगैरह में पानी डाल के गए हैं, तो जैसे आ जाए तो आज सारे